अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य ट्रस्टियों के साथ राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन भी किए और 67 एकड़ भूमि का जायजा किया। नपेंद्र मिश्रा राम मंदिर के लिए विहिप की पत्थर तराशने की कार्यशाला भी गए, जहां उन्होंने तराशे गए पत्थरों को बारीकी से देखा। नपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री विहिप उपाध्यक्ष चंपत राय, ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल, राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिलाधिकारी अनुज झा के साथ राम जन्मभूमि की परिसर में एक बैठक भी की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि अभी राम मंदिर निर्माण को लेकर होमवर्क किया जा रहा है। आज परिसर में जायजे के मौखिक आकलन किया गया। राम मंदिर निर्माण में कौन से चरण में कितना समय लगेगा, राम मंदिर निर्माण के लिए तकनीकी लोग तय करे जाएंगे कि मंदिर निर्माण कब शुरू कराया जाए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक कब होगी पर जवाब देते हुए कहा, बैठक में बताने लायक अभी कुछ नहीं है। राम मंदिर निर्माण की तिथि भी अभी तय नहीं की गई है। राम नवमी के दौरान मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाखों राम भक्त रामलला के जन्मोत्सव मनाने अयोध्या पहुँचते हैं, उनकी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। वही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने कहा कि अभी सिर्फ मंदिर निर्माण की प्लानिंग चल रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नपेंद्र मिश्रा जब रिपोर्ट देंगे तो ट्रस्ट की अगली बैठक मंदिर में निर्माण की तिथि पर चर्चा की जाएगी। अभी राम जन्मभूमि परिसर में टेक्निकल सर्वे होना है। आज मीटिंग में क्या हुआ सर? अभी होमवर्क किया जा रहा है। नीचे करो यार। अरे आईडी एनआई भाई क्यों कर रहे हो? मौलिक काम शुरू करने के पहले एक एक कदम क्या क्या काम और करने पड़ेंगे। आपके घरों में जीने होंगे ना, स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तो ये स्टेप तय किए जा रहे हैं और कौन सा चरण पूरा करने में कितना समय लगेगा इसका एक मौखिक आकलन किया जा रहा है। बाद में तकनीकी लोग उसकी सही कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम तय करेंगे कि मौलिक काम प्रारंभ करने के लिए पूजन कब प्रारंभ करें। अभी हम स्टेप तय कर रहे हैं, होमवर्क हो रहा है इसको कहा जाए, और जब कुछ हमारे पास बताने लायक तैयार हो जाएगा तब बैठक करेंगे। अगर बताने लायक ही कुछ नहीं है तो बैठक करके क्या करेंगे। इसलिए बैठक में कुछ देने लायक हो और आपका बिजनेस भी ठीक चले, जब ऐसा मटेरियल आ जाएगा तो बैठक करेंगे। अगली बैठक कब होगी? अरे मैंने ये कहा ना, जब कुछ बताने लायक हो जाएगा तब। रामनवमी से पहले? रामनवमी पहले रामनवमी पर अयोध्या में 15 से 20 लाख लोग आते हैं, वो भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, अपने घर जाएं, ये हमारा पहला कर्तव्य है। निर्माण को लेकर क्या प्लान है, ये फ्यूचर किस तरह से रामलला को शिफ्ट किया जाएगा, कुछ इस तरह की चीजें बात हुई होंगी आपस में? अभी प्लानिंग ही चल रही है और उसी प्लानिंग के लिए हम लोग घूम फिर रहे हैं, लगातार सब विषयों पर चर्चा हो रही है। जब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक कुछ बताना ठीक नहीं है। अभी कोई निष्कर्ष नहीं हुआ, अभी तो बैठक होनी है। अभी यहाँ से एक बैठक हुई है, फिर जाएंगे दूसरे जगह देखेंगे, उसके बाद भी एक्सपर्टों का कुछ राय आएगा, राय होने के बाद ही। ये कौन सी कंपनी इसका निर्माण करेगी, ये कब तक नए स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएंगे रामलला, कुछ पता लगा? ये तो हमारे जो भवन निर्वाह मंदिर निर्माण के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, वो अच्छा से बताएंगे। अभी वो हम लोगों के पास रिपोर्ट नहीं भेजे हैं, जब भेजेंगे तो हम लोगों को जानकारी मिलेगी, बता देंगे। आज जब आप लोग आए हैं तो क्या क्या चीज़ें देखे अंदर? अभी हम लोगों ने केवल भूमि को घूम करके देखा है, भूमि की स्थिति क्या है, और वो उनके साथ घूम रहे थे, कुछ एक्सपर्ट घूम रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई एक दिन में आँख से देखने तो होगा नहीं, सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद भूम सॉयल टेस्टिंग होगा, उसके बाद कोई देंगे प्रमाण या कोई रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट पर कुछ निर्णय होगा। कुछ शिफ्टिंग कब तक होगी, नवरात्र के पहले या उसके बाद कुछ? अभी उस विषय पर 4 बजे से कुछ बैठेंगे तो जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद। 4 बजे कहाँ बैठक होगी? अभी तो हम पीछे छूट गए भाई। स्थान का चयन हो गया? अभी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ होना है और सब पता चल जाएगा। कामेश्वर जी, एक सबसे अहम जो है सवाल उठता है, इस दरमियान रामलला की जो दूरी है वो कम हो जाएगी दर्शन की, तो क्या श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और भी कोई काम होंगे? ये केवल एक व्यक्ति तय नहीं करेगा, ये सुरक्षा वाले भी बैठेंगे, मंदिर से संबंधित सारे लोगों का विमर्श आएगा, उसके बाद ही तय होगा।
बिना सुरक्षा बल से बात किए कैसे हो जाएगा? हम चार लोग आ गए, तय हो गया, बता दें ये संभव नहीं है। जेसीबी जो अंदर